हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया की ऐसी 5 खतरनाक सड़कों के बारे में जहां मौत हमेशा लोगों का इंतजार करती है, लेकिन फिर भी लोग इस एडवेंचर का मजा लेने के लिए दूर दूर से आते हैं। अगर आपको भी ड्राइविंग करना पसंद है तो इन सड़कों पर भूल कर भी न जाएं, क्योंकि यहाँ जाना मौत के बराबर है। नॉर्थ यूंगर्स रोड, इस रोड को खूनी रास्ते के नाम से भी जाना जाता है। इसका कारण है यहाँ से हर साल 100 से लेकर 200 लोगों की मौत यहाँ से गुजरते हुए हो जाती है, जिनकी कब्र रोड के नजदीक दिख जाएगी। यह कब्र उनकी है जिनका एक्सीडेंट हुआ था और जिनकी मौत एक्सीडेंट में ही हो गई। कई बार गवर्नमेंट ने इस रास्ते को बंद कर दिया, लेकिन दूसरी ओर एक रास्ता होने की वजह से इस रोड को वापस खोल दिया गया है, परंतु इस रोड पर जाना मौत से खेलने के बराबर है। जेम्स डेल्टन हाईवे, यह सड़क उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जिन्होंने अभी अभी कार चलाना सीखी हो। यह हाईवे लगभग 414 किलोमीटर लंबा है, जिस पर ज्यादातर सामान ले जाने वाले ट्रक ही ज्यादा चलते हैं, जिनकी रफ्तार हमेशा से तेज ही होती है। इस रास्ते पर ना तो कोई पेट्रोल पंप है और ना ही कोई रहता है। यहाँ हवा इतनी तेज होती है कि मानो वह ट्रक को पलटा देती है, या फिर उड़ते हुए पत्थर इतना तेजी से आते हैं कि गाड़ी की हेडलाइट तक टूट जाती है। यहाँ पर इतना कोहरा है कि सामने की सड़क दिखाई भी नहीं देती, जिसके कारण से एक्सीडेंट का खतरा बढ़ता जाता है। इसीलिए सरकार द्वारा यहाँ पर यह सलाह दी जाती है कि इस रोड पर फोर व्हीलर, कार, जीप वाले ना ही आए। इस रोड पर सिर्फ और सिर्फ हैवी व्हीकल ही जाए। अटलांटिक ओशियन रोड, यह रास्ता नॉर्वे के समुद्र के ऊपर बना हुआ है, जो कि रोड ट्रिप के लिए बेस्ट जगह है, लेकिन यहाँ कदम कदम पर खतरा मौजूद है। यहाँ एक छोटी सी चूक आपको मौत के घाट उतार सकती है। अगर आपकी कार ब्रिज के ऊपर जाती है तो मानो कि आपकी कार को एक झटका लगने पर वह समुद्र की गहराई में समा जाएगी। तो इसीलिए यह सलाह दी जाती है कि यहाँ पर पेशेवर ड्राइवर ही गाड़ी चलाएं, जो कि नव सीखे हैं उन्हें गाड़ी यहाँ पर ले जाना बिल्कुल ही प्रतिबंधित है। एसिमा ओहाशी ब्रिज, एसिमा ओहाशी ब्रिज जापान में स्थित है। इस ब्रिज को काफी ऊंचा बनाया गया है ताकि इसके नीचे से जहाज निकल सके। इस ब्रिज को रोलर कोस्टर ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। इस ब्रिज से गुजरना मतलब मौत को दावत देने जैसा ही है, लेकिन लोगों को दूसरी ओर जाने के लिए इस ब्रिज से गुजरना ही पड़ता है। तो क्या दोस्तों, आप भी इस ब्रिज से गुजरना चाहोगे जिस पर आगे कुछ भी नजर नहीं आता हो? स्टेल्वियो पास रोड, यह सड़क अपने घुमावदार होने की वजह से जानी जाती है। यहाँ आकर बड़े बड़े ड्राइवर तक डर जाते हैं, क्योंकि आपकी गाड़ी का जरा सा बैलेंस बिगड़ा और यह मिट्टी की दीवार तोड़कर खाई में गिर जाती है। यहाँ पर पहाड़ों के पहाड़ नीचे गिरते हैं, जिसकी वजह से यह सड़क और भी खतरनाक हो जाती है। तो दोस्तों, क्या आप इस घुमावदार सड़क पर गाड़ी ले जाना पसंद करोगे? अगर ले जाओगे तो पहाड़ ऊपर से नीचे गिरने का भी डर है। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए कि आपको कौन सी सड़क पर जाना पसंद है। तो हम कुछ ऐसे ही रोमांचक वीडियोस आपके लिए अपने अगले एपिसोड्स में भी लेकर आने वाले हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। We'll be right back.